रूल्स एंड प्रोसीजर बिल पर पार्लियामानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कायमा कमेटी में होने वाली बहस का रिकॉर्ड पेश करने की भी हिदायत कर दी। अदालत ने फुल कोर्ट बनाने और जस्टिस मजाहिद नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अटॉर्नी जनरल के हुक्म इम्तनाअ वापस लेने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, सियासत ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया। सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। स्पीकर ऑफिस ने कौमी असेंबली की कार्रवाई का रिकॉर्ड देने से इंकार कर दिया। जराए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने स्पीकर को खत लिखकर 5 इजलासों की कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब किया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कायमा कमेटी बराए फाइनेंस इजलास का रिकॉर्ड भी मांग लिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने 6, 10, 17, 26 और 27 अप्रैल का रिकॉर्ड पेश करने का कहा। जराए के मुताबिक स्पीकर ऑफिस की जानिब से तहाल मुतालिका रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। परवेज इलाही को लाहौर हाईकोर्ट से रिलीफ मिल गया। एंटी करप्शन और दहशतगर्दी के मुकदमे में हिफाजती जमानत मंजूर। परवेज इलाही का कहना है कि उनके घर पर धावा मोहसिन नकवी की इमा पर किया गया। एडिशनल डीजी एंटी करप्शन वकास को तोही ने अदालत का शोकॉज नोटिस जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान को दर्ज तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत कर दी। अदालत ने जुमे को दोपहर 2 बजे तफ्तीश ज्वाइन करने का हुक्म दिया। पंजाब हुकूमत को 8 मई तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। इमरान खान ने रोस्टम पर आकर कहा कि मुझे कत्ल करने की 3री बार कोशिश हो रही है। इन्हें पता है कि मैं इंतखाबात जीत जाऊंगा। इन्हें अंदाजा है कि जब इकतदार में आऊंगा तो एहतसाब करूंगा। उस्मान बुजार की गिरफ्तारी का खदशा। एंटी करप्शन की टीम डीजी खान से लाहौर पहुंच गई। एंटी करप्शन लाहौर की टीम भी हमरा है। साबिक वजीर आला के खिलाफ सरकारी अराजी पर कब्जे का मुकदमा दर्ज है। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोलियूस के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो कुआन पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। अमरीकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. United Nations ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।